फ्रेंड्स, नीना की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ पनीर का पराठा, जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई पनीर का पराठा खाना पसंद करता है। वैसे पनीर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा एक ऐसा है स्रोत है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके लिए मैंने पहले से ही आटा गूंथ के रख लिया है। ये देखिए, ये नॉर्मल आटा जैसे गूंथते हैं, इसमें हल्का सा नमक डाला और उसको गूंथ के रख लिया है। आपको आटा गूंदना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। बार बार एक ही तरीके से आटा गूंदना होता है, इसमें कोई और अलग से रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सोचें कि आटा कैसे गूंदा जाएगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, या आप अपने घर में आटा गूंदते ही हैं वैसे ही नॉर्मली आटा गूंद सकते हैं। और ये पनीर है जो कि मैंने घर में ही बनाया है, और ये इसलिए क्रेम्बल है, ये देखिए ऐसे है। अगर आप बाजार का लाएंगे तो वो एक पीस में बना होता है, उसको आप फिर क्रश कर लीजिए, ऐसे पूरा ऐसे कर लीजिए, फिर उसके लिए पराठे के लिए ये तैयार है। सबसे पहले हम मसाला मिलाएंगे इसमें, सब डालेंगे। सबसे पहले हींग डालेंगे, आधे चम्मच से कम हींग डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर एक चम्मच, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्च हमने एक बारीक काटी है, एक हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें मिला देंगे। और धनिया आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो आप कम डालिए। और ये तो एक टेस्ट है, फ्लेवर आ जाता है इससे, और देखने में भी अच्छा लगता है हमारा पराठा। इसको हम मिला लेंगे, हमने सारा मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसके आटे की लोई बनाते हैं। इसको हम लोई तोड़ेंगे, नॉर्मल पराठे से ज़रा ज़्यादा लेते हैं इसको, इसको ऐसे गोल बना लेंगे। आपको अगर कम लग रहा है तो थोड़ा बहुत और लगा सकते हैं, अपने हिसाब से मोटा पतला ये, पर जितना हैवी होता है स्टफ पराठा उतना ही टेस्ट देता है। इसको हम ऐसे करेंगे और सूखे आटे में लगा के इसको हम बेल लेंगे, हल्का सा हम इसे बेलेंगे, इसे गोल में बेल लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत हल्का सा लगाना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, बस ये है कि हमें अच्छा लगता है इसलिए। अब हम इसकी स्टफिंग देंगे, ये भी आपके ऊपर है, पर ज़्यादा सा स्टफिंग देंगे तो टेस्ट और दुगना हो जाएगा। ये अच्छे से हमने स्टफिंग दे दी और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर दे देंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड देंगे, और ये हमारा ऐसे हम फोल्ड दे देंगे। इसको हम ज़रा हाथ से इसलिए दबा रहे हैं ताकि हमारी जो पनीर की फीलिंग है सब तरफ चली जाए, नहीं तो अगर बीच में रहेगी जब हम इसे बेलेंगे तो हमारा फटने का भी डर रहेगा। हल्के से हमने हाथ से दबा लिया, अब हम इसमें फिर से सूखा आटा लगाएंगे। और हम इसको बेल लेंगे। ये चकोर पराठे बना रही हूँ मैं, इसलिए हम इसे बार बार पलट के बेल लेंगे। गोल बनाते हैं तो एक ही बार में हाथ चलता रहता है हमारा गोल का, हाथ दबाने से ये हुआ कि हमारा कहीं से पनीर फटा नहीं है, यानी कि पराठा हमारा फटा नहीं है और पनीर कहीं से निकला नहीं है। अब हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इस पे पराठे को डालेंगे। सब पराठा भी बेल लिया है, अब हम इसमें फिर वो आपको दिखाते हैं किस प्रकार हमने फिलिंग करी थी। इसको हम ऐसे फिलिंग देंगे, इसको एक बार टर्न ऐसे देंगे और एक बार हम इसको टर्न ऐसे देंगे, और ये हमारा थर्ड टर्न है, ये हमारा फोर्थ टर्न है। तो ये हमारा ऐसे हाथ से दबा दीजिए ताकि हमारा ये आटा चुपक जाए आपस में। यही तरीका मैंने पहले वाले में बताया था आपको, वैसे ही इसको हम हल्का सा हाथ से फैला लें, बस इसी प्रकार हम फैला लेंगे। और इसमें हम सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे,
ये देखिए अब हमने इसको पराठे को पलट भी दिया और हमारा हल्का सा दूसरी साइड से भी सीख चला है। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे हल्का सा और इसको फैला देंगे और इसको हम हाथ से टन दे देंगे और इसको हल्का सा दबाते हुए हम इसे ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें वरना हमने एक ही बार में अच्छे से ऑयल लगा दिया था। और इसको हम अच्छे से दोनों तरफ से अलगते पलटते हुए सेक लेंगे। अभी हमने ये टर्न कर दिया था अब ये देखते हैं दूसरी तरफ से अच्छे से सीख जाए फिर हम इसे पलटेंगे। ये देखिए और ये पराठा जरा सा जब ये इधर से निकला है इसका मतलब हमारा पराठा अंदर तक फूल रहा है और अच्छे से सीख रहा है। बेलने में नहीं निकलना चाहिए बस, अगर बेलने में हमारा पराठा फट गया तो सारा चकला और अपना मन भी नहीं करता बनाने को और तवे पे हमारा हल्का सा निकल रहा है तो बहुत ही अच्छा है तो उससे क्या हमारी फीलिंग भी अच्छे से है। अगर आप बहुत ज़्यादा सा एक चम्मच फीलिंग देंगे तो ये हमारी फीलिंग नहीं अच्छा लगेगा, पराठा भी नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि कम फीलिंग का होगा और ज़्यादा फीलिंग का होगा तो पराठा अंदर तक पनीर का स्वाद भी आएगा कि हम पनीर का पराठा खा रहे हैं। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा भी पराठा सेक लेते हैं। पनीर के पराठे बनके तैयार है। आप इसे अचार के साथ या चाय के साथ, मक्खन के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। मैंने इसे हरी मिर्च यानी कि बड़ी कटी हुई हरी मिर्च के साथ और मक्खन के साथ सर्व किया है। आप किस प्रकार खाते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फीलिंग। ये देखिए खूब अच्छे से कितनी अच्छी फीलिंग है और हमारी परत भी पूरी खुल गई है। देखिए मज़ेदार है नहीं, और सॉफ्ट का सॉफ्ट और टेस्टी का टेस्टी। ये बच्चों को पनीर का पराठा बहुत ही पसंद आता है और इतना अच्छा लगता है कि उनके टिफ़िन में भी रख दो। पनीर तो वैसे भी बच्चे को रूखा हो दो या कैसी भी दो सबको पसंद है और बच्चों को विशेषकर पसंद होता है। और ये हमने बटर है ये हमने घर का ही बना के रखा है और मैंने आपको इसे वीडियो बता भी रखी है कि बटर किस प्रकार यानी कि मक्खन घर में किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आपको ये पराठे के बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार बनेगा।